तो देखो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि फिगर 6.44 यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में बोला क्या गया है कि QR ये जो है ऑफ ट्रायंगल PQR, इस पे एक ट्रायंगल PQR बनाया गया है और QR को प्रोड्यूस्ड किया गया है S तक, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, एंगल PQR का बाइसेक्टर जो है TQ है, एंड अगर हम ट्रायंगल का बात करते हैं QR बेस लेकर के जो ट्रायंगल एक और जो ड्रॉ किया गया है QTR जो है उसका बाइसेक्टर जो है वह दिया हुआ है कि TR है, तो हमें प्रूव्ड क्या करके दिखाना है कि QTR, क्यू ये है अपना, टी ए है अपना और आर ये, मतलब ये ठप्पा लगा देते, चलो यहाँ पे लगा देते ठप्पा, ये ठप्पा नहीं लगा दिए तीर लगा दिए, ये जो है यह जो एंगल है, ये जो एंगल है ना इस एंगल का आधा है, हाफ है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ बाधा है, नहीं है बाधा, चलो करते हैं कैसे होगा। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR, अगर हम ट्रायंगल PQR में देखें तो हम लोग क्या जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अनुसार हमने यह जाना था कि ट्रायंगल, देखिए एक्सटर्नल एंगल ये हो गया बाहर का जो एंगल होता है, वो एंगल जो होता है वो इक्वल किसके होता है, इसके जस्ट अपोजिट साइड जो एंगल होता है दो, वो दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम आराम से यहाँ लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि एंगल जो अपना होगा PRS जो होगा, एंगल PRS जो होगा वह किसके, इसके सामने का एंगल कौन है, ये है और ये है, यानी एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल QPR के इक्वल होगा। अब देखो हमें जो प्रूव्ड करना है वो बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल QTR जो है वो हाफ है एंगल QPR के, और हाफ का बात आ रहा है इसमें हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग लिख देना यहाँ पे, तो हाफ एंगल PRS बराबर हाफ एंगल PQR प्लस हाफ एंगल QPR, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ देखो हाफ एंगल हाफ एंगल आया है PRS, ध्यान समझना, PRS को हाफ करेंगे तो ये एंगल बन सकता है, क्योंकि क्या है कि TR जो है इसका क्या है, बाइसेक्टर है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल TRS, एंगल क्या लिख सकते हैं हम लोग, TRS एंगल लिख सकते हैं, TRS बराबर हाफ PQR, P अपना ये है, Q अपना ये है और R अपना ये है, इस ट्रायंगल का हाफ क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का हाफ क्या होगा PQR का, ये हो जाएगा, ये बाइसेक्टर, ध्यान सुनना, PQR का हाफ क्या हो जाएगा, TQR हो जाएगा ना, इसके जगह पर एंगल लिख सकते हैं क्या चीज, TQR, क्लियर है, प्लस इसको हाफ रहने दिए एंगल QPR, क्योंकि इसका डिमांड ही नहीं है कहीं, तो छोड़ दिए ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि QPR हाफ में ही था तो हाफ में ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। और यह सब बात कहाँ से लिखे, तो रीजन लिख देंगे बगल में, चूंकि हमने देखा यहाँ पे क्या चीज़ देखा कि TR इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, एंगल PRS एंड TQ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देखो TQ बाइसेक्टर किसका है, तो एंगल PQR का बाइसेक्टर है, इससे यह बात लिखा हमने, यही क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, समझ आ रहा बात। अब सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से चलते हैं, अब नाउ हम लोग चलेंगे ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में चल चुके हैं ना, तो अब ट्रायंगल किस में चलेंगे, नाउ अब ट्रायंगल चलेंगे हम लोग PQR में, तो ये ट्रायंगल में भी हम वही लगा देंगे, ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल के बराबर होगा, होगा ना, या बोल सकते हैं एंगल जो होगा अपना TRS, एंगल TRS जो होगा वह किसके इक्वल होगा, देखो ना TRS किसके इक्वल होगा, तो इस एंगल के सामने कौन है, ये एंगल और ये एंगल आ रहा है, यानी एंगल क्या होगा TQR, एंगल TQR प्लस एंगल, देखो ना क्या
एक मिनट, क्यू टी आर, एकदम सही बोली, क्यू टी आर, यही ना, क्यू टी आर। तो ये यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या पाओगे तुम लोग, देखो ये टी आर एस है ये भी, और ये भी टी आर एस है, जब दोनों टी आर एस इसके बराबर है, टी आर एस इसके बराबर, दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, एंगल टी क्यू, ये वाला लिख दिया, एंगल टी क्यू आर जो होगा प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो ये टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल हो गया, इस तो हमें यहाँ से निकल के आया एंगल जो है क्यू टी आर जो है वह हाफ है एंगल किसके, क्यू पी आर के। यही बात प्रूफ करना था ना कि एंगल क्यू टी आर जो है हाफ है किसके, पी क्यू आर के। यह बात हो जाता है यहाँ से प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये बात ध्यान से देखना, ये से ये कैंसिल हो गया, तो एंगल क्या आ गया, क्यू टी आर, क्यू टी आर बराबर किसके, हाफ इसके। दोनों इक्वेशन को हमने सामने सामने पटक दिया और आंसर तक पहुंच गया।